बहुत बढ़िया है, इनके जैसा भुवनेश्वर में कहीं पर क्या, पूरे इंडिया में नहीं है कहीं पर। लोगों को पक्का आके यहाँ पर खाना चाहिए। आज का स्टोरी कुछ अनोखा ही होने वाला है, जो कि भुवनेश्वर का एक लेजेंडरी पर्सन से हम मिलने के लिए जा रहे हैं। उनका फूड कॉर्नर में हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे भी किस तरह का यह फूड कॉर्नर है और वो किस लिए फेमस है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और एक आपको नया वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आरकेपी लाइफ। अगर कोई भुवनेश्वर के अंदर वड़ा खाना चाहता है तो उसको एक फेमस फूड कॉर्नर है। इस फूड कॉर्नर में आप आकर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे कोई भी ऐसा साइनेज या कोई भी नेम प्लेट नहीं है, उनका नाम ही ब्रांड नेम है। उसी ब्रांड नेम को लेके वो आज पूरा भुवनेश्वर के पूरा उड़ीसा में वो फेमस है। और दूसरा अनोखा अंदाज है उनका। अगर सोचिए आपके ऊपर एक बूंदा गरम ऑयल गिर जाता है तो आपका स्किन जल जाएगा, लेकिन वो ऐसा एक उनके पास अनोखा पावर है, पावर ही हम लोग बोल सकते हैं ये, इट्स ऑल अबाउट स्किल। उनके पास जो स्किल्स है उसी स्किल के वजह ही उबलता हुआ ऑयल में अपना हाथ डाल के बवारा को छान भी सकते हैं, उसको उल्टा भी कर सकते हैं, वो एक प्लेस पे लेके दूसरे प्लेस पे वो रख भी सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टाइम में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा खाली मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जिस टाइम में उनका ज़्यादा सेलिंग होता है उस टाइम आप जाएंगे तो आपको खाने के लिए वेट करना पड़ेगा, करीबन 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। यही है रवि भाई का बरा है। बरा का क्रिस्पी देखोगे, इसके साथ ये है गुगुनी। गुगुनी का टेस्ट ऐसा है कि थोड़ा लिटिल बिट स्पाइसी रहता है और उसके अंदर ये करी लीव्स भी है। करी लीव्स जो अगर कोई भी एक डिशेस में डाला जाता है तो उसका एरोमा ही कुछ अलग है। तो यही है बस, देखो ये आ गया गुगुनी और इसके साथ ये आ गया बरा। इनका खासियत आपको पता है ना, बरा का जो प्रीमिश बनता है ना वो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लोगों के सामने बनाया जाता है। जहाँ पे भी बरा खाएंगे उसमें थोड़ा बहुत कुछ और कुछ मिला देते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे आटा मिला जाएगा, इसमें ओनली उसका वो प्रीमिक्स जो है वही मिलाया जाता है और कोई कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, इसीलिए इसका टेस्ट कुछ अलग है। रवि भाई फेमस है एकदम, हफ्ता में 5 दिन हमारा नाश्ता यहाँ फिक्स है एकदम। बहुत बढ़िया, इनके जैसा भुवनेश्वर में कहीं पर क्या, पूरे इंडिया में नहीं है कहीं पर। लोगों को पक्का आके यहाँ पर खाना चाहिए। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और मैं यहाँ पर बहुत बार आता हूँ, विजिट करता हूँ, बहुत टेस्टी बनाता है, अच्छा है, सबको आके टेस्ट करना चाहिए। भाई तो कटक से आते हैं स्पेशल खाली यहाँ पर खाने के लिए, पार्सल लेने के लिए, टेकिंग पार्सल फॉर होम। यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पे बहुत टाइम में आते हैं। लकड़ी और कोयला का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए और ज़्यादातर लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका आप देखो लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है, जो कि टिपिकली एक ट्रेडिशनल खाना बनाने का तरीका है। ये जो रवि भाई का शॉप है, इस शॉप आप गूगल पे मारेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। जब यूनिट 6 के अंदर आएंगे ढूंढते रहेंगे तो ये लोगों को जब पूछेंगे रवि भाई का शॉप कहाँ पे, तभी आपको बता देंगे, आपको वो डायरेक्शन दे देंगे। उनका नाम ही ब्रांड है, पिछले 43 ईयर्स से सारे भुवनेश्वर में वो आज फेमस है। रवि भाई का हिस्ट्री आप जानना चाहेंगे तो ये करीबन 1978 से यहाँ पे आके वो बड़ा बेच रहे, तो वो डिफरेंट प्लेसेस में अपना शॉप कर चुके हैं, लेकिन यूनिट 6 के अंदर वो
करीबन 12 से 13 साल हो गया वो एक जगह पे, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना सेलिंग कर रहे हैं। ये था आज का वीडियो, रवि भाई वड़ा सब द फेमस हॉट ऑयल मैन ऑफ उड़ीसा, जिन्होंने पिछले 40 साल से उड़ीसा के अंदर, स्पेशली कैपिटल ऑफ उड़ीसा के अंदर अपना वड़ा को फेमस किया है और खुद को भी फेमस किया है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना, ताकि आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और ऐसे ही मैं आपके लिए और नया वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए आप लोग का प्यार मोहब्बत, मेरा मेहनती ऐसे जारी रहेगा। तो टिल देन टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ, थैंक यू।